एमपी निलंबित हो चुके हैं, जिसमें से कल और आज मिलाकर के 46 लोकसभा के और एक राज्यसभा का और यानी 47 निलंबित हुए। तो राज्यसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में चलो एक 46 हुए, तो अब लोकसभा में क्या ऑपोजिशन रहेगी? नहीं, कहने का मतलब ये हुआ सरकार ऑपोजिशन चाहती नहीं सर, उनको देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। वो एक तरह के हिटलर शाही कर रहा है, जो शासक की गरिमा है उसको बर्बाद कर रहा है। और कभी जब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अपोजिशन के लोग क्या कह रहे हैं, अपोजिशन की बात अगर सुनी नहीं जाएगी तो देश की सही पिक्चर सामने कैसे आएगी? अब अगर सांसद अपनी बात संसद में नहीं रखेगा तो कहां रखने जाएगा? पाकिस्तान में मोदी जी और अमित शाह यही बार बार बोलते हैं ना। तो जब जनता की आवाज उठाने का सबसे बड़ा जगह जो है वो लोकतंत्र का मंदिर सांसद है, और संसद में आप अपने सांसदों को कभी नहीं बर्खास्त करते, चाहे वो गाली बके, चाहे वहां कोई घटना हो जाए, और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं अभी बीच में हो गई, उन सब को लेकर भी एक भी सांसद पे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अपोजिशन का सांसद अगर सामाजिक बातों को भी उठाता है, जनता के हित की बातों को भी उठाता है, तो उसे अध्यक्ष महोदय सस्पेंड कर देते हैं।